और दिल्ली में आरटीओ स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी ने घेराव किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सच दीवा की अध्यक्षता में दिल्ली के सभी सांसद और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी, सांसद मनोज तिवारी, विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत हजारों कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचे। बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दवाई घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने घोटालेबाज मंत्री को बचाने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। उनके घोटालेबाज मंत्री नए नए तरीकों से घोटाला करते हैं। साथ ही बीजेपी ने इस घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को बताया है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की मिलावट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो तस्वीरों में दिखाए जो बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता यहां पे मौजूद है, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ मुख्यालय कूच करने की मांग कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो सुरक्षा बल है उन्हें रोका गया है। आपको बता दें सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पे वाटर कैनन भी चलाया गया है। अब देखना यह रहेगा जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस और बीजेपी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है इससे क्या कुछ होता है, और देखना यह रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी के अगले कदम क्या होते हैं। न्यूज के लिए दिल्ली से सबसे